आशु और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक न्यू वीडियो पे। उसमें क्या बताना, हमें किसी ने रिक्वेस्ट आई थी, बहुत रिक्वेस्ट आई थी। तुमने नहीं पढ़ी थी? मैंने बहुत रिक्वेस्ट थी। मैंने नहीं पढ़ी थी, तुमने अचानक से खोला तो मुझे लगा कि तुमने रिक्वेस्ट नहीं थी, रिक्वेस्ट आई थी। मैंने नहीं देखी थी। हो जाती। तो उसमें ये था कि कॉल द बैंड फीचरिंग द ड्रमर्स ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी रॉक सॉन्ग 2018 पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पहले सुनते हैं, वैसे सुनने में बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, बहुत टाइम से रिएक्ट करना चाह रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, आज करते हैं। We'll be right back.
मुझे लग रहा है कि फ्लैग पहले खोल देना चाहिए था। नहीं यार वो फीलिंग ही नहीं आती ना शुरुआत में। नहीं यार एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब गिराया ना उसको मतलब नहीं वो चीज सही है पर मुझे लगा कि जैसे फ्लैग के सामने जब आप होते हैं और कोई ऐसा पाकिस्तान के लिए अपनी कंट्री की नॉट पाकिस्तान अपनी कंट्री के लिए कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग गा रहे होते तो मतलब एक अलग एटीट्यूड लेवल और बढ़ जाता है। ये बात भी इतना कुछ था बेस्ट था 101% था लेकिन 0.01 और ऐड हो जाता है अगर वो अपना ओपिनियन किसी के लिए यही काफी रहा। वैसे एक बात मैं बोलना चाहूंगा इस पे हम लोग उतना अच्छा रिएक्शन नहीं दे पाएंगे जितना एक पाकिस्तानी यहाँ पे देता ऑब्वियसली है क्योंकि उसे... क्योंकि सीधी बात है अब हम लोग पाकिस्तानी नहीं है लेकिन मेरे को गूज़बम्स वगैरह आ रहे थे ठीक है कि जब वो बोले ना पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं वो पाकिस्तान पैट्रियोटिज्म फील होता है ठीक है बाकी वो पैट्रियोटिज्म फील होता है ठीक है और जो एक एक साथ जब यूनिजन में जब इतने लोग बजाते हैं और कुछ गाते हैं ना तो यार गूज़बम्स तो बनते हैं भाई ठीक है। और लेकिन अगर यही कोई पाकिस्तानी बैठा होता तो उसका लेवल अलग होता फील करने का उस चीज को कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग रहता। और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी यहाँ पे कोई बैठा होता तो अलग होता। सॉन्ग की खासियत क्या है कि आप इंडियन हो पाकिस्तान हो कोई कंट्री से बिलोंग करते हो अगर वो पैट्रियोटिक सॉन्ग है लेकिन नहीं लेकिन तुम गूज़बम्स ले पा रहे थे ना। हां लेकिन कहने का मतलब ये था कि जैसे स्पेशली उन्हीं के लिए है क्योंकि स्पेशली तो उन्हीं के लिए वो बात सही है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने नहीं उसलिए तो मैं तारीफ कर रहा था ना कि यार मेरे को आ रहे थे गूज़बम्स वो हमें आ रहे थे सोचो कि उनको कितने ज्यादा आएंगे वो सही बात। तो मैंने कहा कि उनका रिएक्शन तो अलग ही होता अगर कोई पाकिस्तानी बंदा यहां बैठा होता तो उसका तो हम लोग से डबल ट्रिपल कितना भी हो सकता था और फिर तो वो दो बार ये सॉन्ग लगातार सुनता उसके बाद कहता है ठीक है ऐसा हो जाता है। अरे वो लूप पे सुना होगा लोगों ने जब भी आया लोगों ने सुना ही होगा। और ये तो मैंने क्या कहते हैं इच्छा मुझे नहीं पता था ये कॉल बैंड में ही है जुनैद खान क्योंकि इनको मैंने उसमें सुना था कोक स्टूडियो में गाना आया था मुमीना मुस्त हसन के साथ। और इतना सही फीचर कर रहे थे एक्चुअली बहुत टफ हो जाता है जब इतने सारे ड्रमर्स अलग अलग बैंड से मुझे तो ये सोच रहा है कितना मैं तो ये सोच रहा हूँ कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना एक टीम में लाना सबको कितना टफ होगा कितनी प्रैक्टिस लगी होगी इतने प्रैक्टिस के बाद भी जो मतलब कहते हैं ना लास्ट में एकदम सही चीज आई पाकिस्तान जिंदाबाद सब कुछ जो हो रहा था एकदम लाइन से भाई यही असली फीलिंग दे रहा था। और वो जो बीट्स बज रही थी यूनिजन में गिटार की एंट्री होती है गिटार भी एकदम गिटार इलेक्ट्रॉनिक से आवाज बहुत तेज होती है लेकिन उसको रखा नहीं जाता तेज मतलब वो बैकग्राउंड में ही बजती रहती है वो ड्रम की आवाज को दबाती नहीं है और वो गजब लगता है भाई मजा आ गया। और जो एक्चुअली गाने पे भी एक चीज होती है गाने मतलब कि सिंगिंग से और ये हमेशा इसी टाइप के गाने गाते हैं जिन्हें जी मैंने देखा है कि ये लोग ये वैसे गाने भी गाते हैं मतलब लोग देखो इनके ऊपर ज्यादा ये सुनते हैं गाते हैं बहुत गजब लगता है इनके ऊपर। मैंने मैं रास्ता सुना था उसमें भी उन्होंने उस तरीके से गाया था मैं रास्ता में उन्होंने बहुत थोड़ा गाया था उस तरीके से मतलब उतना मैंने नहीं उसमें उतना इन्होंने नहीं दिखाया था ट्रेलर ही था उनके ऊपर ये चीज सूट भी करती है ये स्लो सॉन्ग गा नहीं सकते हैं मतलब गा नहीं सकते मतलब उतना मजा नहीं आएगा जितना ये तो मतलब फीलिंग्स निकालना पेट्रियोटिज्म या फिर रॉक टाइप म्यूजिक ये उठा के लाए मॉडर्न टाइप ये कुछ जनरली जो होता है ये इस टाइप का गाना वगैरह जो है वो यहाँ पे वैसे कम ही होता था इंडिया पाकिस्तान में मतलब यूएस वगैरह में इस टाइप के बैंड ज्यादा थे थ्रैश सॉन्ग गाते थे लेकिन इंडिया में लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है और अच्छी बात है आज भी वहाँ पे ज्यादा है और वहाँ पे इतना इसे यार ढोलक थी वहाँ पे मेनली आपका दिस एंड दिस इसके अलावा कुछ नहीं मजा आ गई सुनने अच्छी थी ये चीज मजा आ गई क्योंकि इतने सारे लोगों को देख के पहली बार तो तुमको डर लगने लगता है यार कैसे उन्होंने एग्जीक्यूट की होंगी ये सारी चीजें कितना टफ हो जाता है यार इन सब चीजों को मेंटेन कर पाना इतने सारे लोगों को वगैरह वगैरह सब सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी सबका अपना यूनिक स्टाइल होता है। तुम एक चीज को 10 बार करो ना उसके बाद बोर हो जाते नहीं कहने लगे जैसे कि अब क्या होता है ना इतने सारे लोग अगर एक बैंड के हो हाँ, तो आदत होती है उन्हें पता है कि वो वाला बंदा ऐसे गाएगा उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है ये अच्छा गाएगा यहां पे तुम किसी को जानते नहीं लेते हैं एक ही खामियां एक उसको सबसे भाई सबको अपना अपना कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है किसी एक को उठाने के लिए भाई किसी ने सडे यहां सैक्रिफाइस नहीं किया सबने अपना 110% दिया जोश दिखाई दे रहा था कि आप कर सकते हो सैक्रिफाइस इन द सेंस कि अरे वो मतलब मैं समझ गया कि एक की वो सारी चीजें चलिए हमारा रिएक्शन यहीं तक था थैंक यू पीस आउट।